कच्छ जिला के सूखे प्रदेश वैसे नखत्राणा में होती हरे सेब की खेती अब भरूच जिला के अंकलेश्वर में भी मुमकिन है, जहां किसान ने 2 साल की मेहनत के बाद सफल खेती की है। गुजरात के सूखे प्रदेश के नाम पर जाने जाते वैसे कच्छ जिला के नखत्राणा में होते हरे सेब की सफल खेती अब भरूच जिला में भी सफल होने के आसार बने हैं। भरूच जिला के अंकलेश्वर तालुका के किसान वैसे भरत भाई ग्रीन एप्पल की खेती करते हैं। भरूच में भी अब हरे सेब यानी कि ग्रीन एप्पल की खेती सफल बनाने के साथ अन्य किसानों के लिए भी आशा को पैदा किया है। हरे सेब के कुल मिलाकर 47 इतने पौधे लाए गए थे, फिलहाल ये पौधे 3 साल के हो चुके हैं। भरूच के अंकलेश्वर के जूना बोर बहाट विस्तार में रहते वैसे किसान भरत छीतू पटेल ने पिछले 35 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। किसान ने 7 बीघा जमीन में अलग अलग फसल के साथ खेती की है, जिसमें मुख्य फसल उनकी केले तथा सब्जी की रही है। भरत भाई ने जिला स्तरीय बेस्ट फार्मर अवार्ड भी प्राप्त करने के साथ 25,000 रुपए का इनाम तथा राज्य स्तरीय 50,000 रुपए का इनाम भी प्राप्त किया है। ऐसे में अब उनके द्वारा कच्छ के सूखे प्रदेश नखत्राणा में होते वैसे ग्रीन एप्पल की खेती अंकलेश्वर में भी सफल बनाने के भागरूप एक अनोखी सिद्धि प्राप्त की है। उसी के साथ अन्य किसानों के लिए भी ये खेती अब आशा स्वरूप फल देगी। मारू नाम भरत भाई छीतू भाई पटेल छे, हूँ जूना बोर भाड़ा बेटनो वर्ण छू। अमे लगभग छेल्ला 3 वर्ष थी परिश्रम फार्मर्स क्लब अने अमारा जे खेडूत मित्रों साथे नक्की करवा में कई नवी खेती करिए, तो एवं के सफरजननी खेती थाय तो આપણે કચ્છની અંદરનો વિડીયો જોયા પછી એવો ખ્યાલ આવ્યો કે જો કચ્છની અંદર થઈ શકતું હોય તો આપણે ભરૂચ જિલ્લાનું તાપમાન એની કરતાં આપણું નીચું રહી, માટે અમે લોકોએ પછી આયોજન કરીને 300 છોડ મંગાવ્યા હતા ને જેમાંથી 50 છોડનું જે મેં વાવેતર કરેલું છે તેમાંથી અમુક છોડનો જે રોગ આવવાના કારણે જે મૃત્યુ થયું છે મળી ગયા સુકાઈ ગયેલા છે, તો આ વર્ષે અમને 3 વર્ષ થયા એટલે મને દરેક વસ્તુનો ખ્યાલ આવવા માંડ્યો કે ભાઈ આને કઈ કઈ જાતની જરૂરિયાત રહી છે, એટલે એ રીતે માવજત કરી અને ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી એ છોડનો મેં વિકાસ કરેલો છે ને હવે હાલમાં પ્લાવડિંગ અને આવવાનું ચાલુ થઈ ગયેલું છે, ફળ પણ સહિત ઉપર બેગ પહેરવાનું શરૂ કરેલું છે મેં આપણને અહીંયા ભરૂચ જિલ્લાના તાજા સફર રહી માટે અમારા ખેડૂતોને એટલી મહેરબાની આપણે એકવાર કરીને અને ટ્રાય કરીને પછી ખેડૂતોને પણ વાવેતર એવી લાગણી છે।